सीतापुर में गुजरे साल और नए साल में बाघ और तेंदुआ का शोर गूंज रहा है वजह पड़ोसी जिला लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क के चलते बाघ और तेंदुआ भटक कर खेतों और आबादी के बीच में विचरण कर रहे हैं क्योंकि सीतापुर में जंगल न होने से इनका आसियाना यहाँ की मुख्य फसल गन्ना बन जा रहा है और भोजन के तौर पर इन्हें नीलगाहे मिल जा रही हैं जब नीलगाहे आसानी से नहीं मिलती हैं तब यहाँ आबादी में पहुंच इंसानों और जानवरों को निवाला बना रहे हैं चिंता की बात यह है कि बाघ और तेंदुआ की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जो भविष्य में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बन सकती है देखें आई इंडिया की तो गोमती की कछार या फिर गांजी इलाके में तेंदुए का शोर सुनाई देता है गुजरे साल 2020 में सीतापुर में कोरोना का कोहराम और जंगली जानवरों के आतंक की गूंज रही यहाँ के गुंदलावाऊ पिसावा इमलिया सुल्तानपुर और बेहटा रामपुर कला इलाके में तेंदुआ बाघ और जंगली जानवर लोगों को आतंकित करते रहे यह सिलसिला 2021 में भी जारी है वन अफसर भी पग चिन्हों के आधार पर इन्हें पकड़ने को इनका पीछा करते रहे और ये जानवर उन्हें चकमा देते रहे ये जानवर ग्रामीणों के मवेशियों को शिकार को निवाला बना देते हैं यही नहीं ये जानवर ग्रामीणों पर हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। इनके हमलों में एक किसान की भी जान जा चुकी है जबकि कई जख्मी भी हो चुके हैं ऑपरेशन सर्च अभियान में कई तेंदुए ट्रैंगुल कर पकड़े गए जबकि एक तेंदुआ दम भी तोड़ चुका है जानकारों की माने तो सेव द टाइगर जैसे अभियानों के जरिए भारत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले दिनों टाइगर सर्वेक्षण में भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है एक ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि देश में तेंदुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेंदुओं की संख्या बारह तक पहुंच गई है वर्ष 2014 तो में देश में 7,910 तेंदुए थे तेंदुओं की संख्या में वृद्धि से सीतापुर में भी इनकी चहलकदमी बढ़ी है देखिए इधर इस बीच जो सेंसस हुआ है 2014 में हुआ था फिर 2018 में हुआ है तो उसमें जो है लेपर्ड की यानी तेंदुए की भी जो है आबादी बहुत बढ़ी है और हमारा टाइगर भी बहुत बड़ा है अब आप समझिए कि 2014 में जो टाइगर का सेंसस हुआ था उसमें लगभग लग 170 टाइगर थे उस समय और इस समय टाइगर की संख्या एक सौ तिहत्तर हुई है तो ये जो मुहिम चलाई जा रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए तो उससे जो है काफ़ी मतलब इसमें सकारात्मक जो है परिवर्तन आया है और टाइगर की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है और इसी तरह से लेपर्ड की भी जो है हमारी संख्या काफ़ी आबादी बढ़ी है देखिए जनपद में परमानेंटली यहाँ पे चूँकि यहाँ पे जंगल नहीं है नहीं के बराबर है जंगल तो वैसा यहाँ परमानेंट मतलब जो है इनका हैबिटेट नहीं है लेकिन बगल तराई क्षेत्र में आपका लखीमपुर से सटा हुआ क्षेत्र है तो वहां से भटक करके या मतलब जो है निकल के बाहर जो है अक्सर तेंदुए जो है सीतापुर जनपद में आ जाते हैं। इससे समूचे जिले में इनका शोर सुनाई दे रहा है कभी मूड तो कभी गांजरी या फिर गोमती नदी की कछार में ये जानवर दिखाई देते हैं इनकी आमद से ग्रामीण खौफ ज्यादा हो जाते हैं दरअसल तेंदुआ समेत अन्य जंगली जानवरों के छिपने के लिए एक तो सबसे मुफीद जगह गन्ना फसल मानी जाती है तो दूसरे भोजन में उन्हें आसानी से नील गाय मिल जाती है शायद यही वजह है कि जानवर आसानी से नील गायों को अपना शिकार बना लेते हैं लेकिन जब इन्हें भोजन नहीं मिलता है तो ये आबादियों में पहुंच जाते हैं जिस तरफ तेंदुआ बाघ का शोर सुनाई देता है उस ओर वन विभाग के अफसर मई टीम के वहां पहुंच जाते हैं और पग चन्नों से उनकी पहचान कर उन्हें पकड़ने में जुटते हैं मगर यह वन विभाग की टीम को चकमा देते रहते हैं पिछले तीन बरसों में सीतापुर में जंगली जानवरों की आमद नजर डाले तो बातें हैं कि 19 दिसंबर 2017 को सदरपुर थाना इलाके के मुसैदाबाद गांव में तेंदुआ की चहलकदमी देखी गई थी वर्ष 2018 में समूचे जिले में जंगली जानवरों की गूंज सुनाई दी इस चहलकदमी में एक दर्जनों मवेशियों को निवाला बनाया साथ ही हमले में एसओ सकरन समेत चार ग्रामीण जख्मी हुए थे वन विभाग की सक्रियता से सदरपुर इलाके में एक तेंदुआ पिंजड़े की कैद में आ गया था वर्ष 2019 में जनवरी से जून तक सदरपुर इलाके में तेंदुआ चहलकदमी करता नजर आया लेकिन वन विभाग की टीम उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी छः महीने पर तेंदुए ने एक गोवंश को भी अपना शिकार बनाया था वर्ष 2020 की शुरुआत में तेंदुए का शोर सुनाई नहीं दिया लेकिन अप्रैल बीतने के बाद जैसे ही मई की शुरुआत हुई वैसे ही एक बार फिर संदना थाना इलाके के हरिहरपुर गांव में तेंदुए ने खेत गए दो किसानों पर हमला बोलकर उन्हें जख्मी कर दिया था लेकिन वन विभाग की टीम के हाथों में आने से बच निकला था पांच महीने तक तो इलाके में इसकी गूंज सुनाई नहीं दी सत्रह अक्टूबर को खूखार तेंदुए ने जगदीशपुर के मुर्तजा की जान ले ली थी नवंबर माह में इमलिया सुल्तानपुर के आलमपुर में तेंदुआ की धार सुनाई दी यहाँ करीब एक सप्ताह तक इसकी हलचल चल रही इसी इलाके के पिराई रायपुर में तेंदुआ दिखा पचेनापुर गांव में तेंदुए द्वारा खाए गए एक नील गाय के बच्चे के अवशेष मिले संधना थाना इलाके में ही घरौली में तेंदुए ने भैंस पर हमला कर दिया और खेवटा रामपुर में नील गाय के बच्चे को निवाला बना डाला तेंदुए को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई डब्ल्यू की टीम भी लगाई गई अलग अलग स्थानों पर पिंजरे लगाए जाते रहे और तेंदुआ चकमा देता रहा खेवटा रामपुर में वन विभाग ने पिंजरा लगाया लेकिन चोर बकरी ही चुरा ले गए फिर बकरी पिंजरे में बांधी गई 20 व 21 दिसंबर की रात आखिरकार तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया दिसंबर माह में तंबोर थाना इलाके के मीतमऊ नकहा में तेंदुए ने नी, नील गाय को निवाला बनाया यहाँ पर पिंजरा लगाया गया मगर वो पिंजरे के इर्द गिर्द फटका नहीं मैसिक कोतवाली के लश्करपुर में तेंदुए ने भवानीपुर के किसान बाबू राम पर हमला कर जख्मी कर दिया था इससे पहले यहीं पर एक गोवंश को भी उसने अपना निवाला बनाया था 16 दिसंबर को पिसावा थाना इलाके के कुतुबनगर में जंगली जानवर गोवंश को अपना शिकार बना दिया था साल के अंतिम हफ्ते में पिसावा थाना इलाके के हरैया गालिबपुर हदीरा ठकुरेपुर टेनी गांव के झाबर में शेर की दहाड़ सुनाई दी और पग चिन्ह भी देखे गए छब्बीस दिसंबर को इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के सरौरा झबरी और सिमरहन में तेंदुआ दिखा सकरन थाना इलाके के उमरा कला में छुट करने के मवेशी का अवशेष मिला था वर्ष 2020 तेंदुआ और शेर की दहाड़ से गुजर गया लेकिन नए साल यानी वर्ष 2021 में इसका शोर थमा नहीं इसकी गूंज आज भी इलाके में सुनाई दे रही है नए साल के पहले दिन पिसावा के मुस्तफाबाद बिटौरा के मध्य बाग दिखा अगले दिन 2 जनवरी को सदरपुर के सहबाजपुर गांव और इसी दिन इमलिया सुल्तानपुर के पिराई रायपुर में जंगली जानवर दिखा पिराई रायपुर में यह जानवर दो बकरी के बच्चे उठा ले गया था तीन जनवरी को मिर्शी कोतवाली के बीबीपुर परसपुर गाँव के खेतों में तेंदुआ दिखा इसी दिन डायमिशारण के राजघाट पर पीआरडी जवानों ने न सिर्फ तेंदुए की दहाड़ सुनी बल्कि उसे देखा भी 5 जनवरी को भी मिश्री के बरीठी गांव के पास तेंदुए के पग चिन्ह देखे गए अभी जैसा कि आप पिछले दिनों सुने ही हैं कि यहां पर एक टाइगर आ गया था तो अब देखिए एक्चुअली वो टाइगर जो है कहीं जंगल से चलता हुआ फर्रुखाबाद पहुंच गया था और फर्रुखाबाद से जब वो वापसी कर रहा है तो आउट हम लोगों ने उसका जो है उसके पीछे उसके पगमार्कों पे जो है उसको ट्रेस किया और यहाँ जन हमारे जनपद में भी उसका प्रवेश हुआ ढकई कला पिसाव ब्लाक में और हम लोग उसको बराबर उसकी निगरानी करते रहे उसके पगमार्कों पे जो है को ट्रेस करते हुए उसके जो है जिस दिशा में वो बढ़ रहा था उसको हम लोगों ने लोकेट करते रहे हम लोग और वो जो है वहाँ ढकिया कला से होते हुए पिसाव ब्लाक से मानिकपुर यहाँ मछराटा ब्लॉक आया वो इसके बाद आप खैराबाद में जो है भगवंतापुर मड़ोरा मलोरा ग्राम से होते हुए और आपके जो है कालक ये सिधौली रेंज के जो है सरोरा कला ग्राम गाँव में जो है उसके पग में पगमार्क मिले हैं तो अब ये अपने वापसी पे है अभी हम लोग और ट्रेस कर रहे हैं कि वो जो है किस दिशा में और कहाँ पर वो जा रहा है हम सबको विचार करना होगा कि इन जंगली जानवरों के आसियाना जंगलों को ना उजाड़े नहीं तो जिस तरह से बाघ और तेंदुआ की संख्या बढ़ रही है उससे इनका आबादी के बीच में आना और लोगों को निवाला बना जाना आम हो जाएगा नमस्कार मैं हूं सतीश कौशिक एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर और आपका चहता हास्य कलाकार मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर देखते रहिए आई इंडिया खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया